2014 के चुनाव में पप्पू यादव भले ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए, लेकिन साल बदली और पप्पू यादव ने आरजेडी से रिश्ता भी बदल लिया। रिश्ते में तल्खी इस कदर बढ़ी कि 2019 का चुनाव पप्पू यादव ने विरोध में लड़ा और 2015 के चुनाव में राजद के खिलाफ पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के लिए पप्पू यादव ने कहा था कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। रिश्ते में कभी मधुरता थी, लेकिन बाद में कड़वाहट इस तरीके से बढ़ी कि तेजस्वी को पप्पू यादव एक आँख से भी नहीं सुहाते थे। लेकिन महागठबंधन की सरकार 2022 में बनी, तब से कई सियासी रिश्ते बदल गए हैं। जो कल तक दुश्मन थे, उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे थे। यह पहला मौका था, तकरीबन 7 सालों के बाद पप्पू यादव लालू परिवार के करीब आए थे। 10 सर्कुलर आवास की दहलीज को पप्पू यादव ने एक बार फिर से लांघी थी। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनके स्वागत में खड़ी दिखी थी। नीतीश कुमार के सामने पप्पू यादव 10 सर्कुलर आवास में मौजूद थे। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे तो राबड़ी आवास में राजद के कई कार्यकर्ता और पप्पू यादव के समर्थक उस वक्त पप्पू यादव को देखकर गदगद हो गए। पप्पू यादव को लेकर नारेबाजी होने लगी। हर कोई पप्पू यादव के साथ सेल्फी लेना चाहता था। पप्पू भी अपने पुराने घर में लौटकर काफ़ी इत्मीनान से बैठ गए, बातें करने लगे, चेहरे पर खुशी दिख रही थी। दरअसल पप्पू यादव पिछले चुनाव में आरजेडी के खिलाफ बगावत कर चुके थे। आरजेडी के खिलाफ बिगुल बजाकर उन्हें हराने के लिए जीतोड़ मेहनत तक किया था। लेकिन सियासत में जब समीकरण बदलता है तो रिश्ते टूट जाते हैं और टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ जाते हैं। पप्पू यादव भी कुछ इसी अंदाज में दिख रहे थे। तेजस्वी यादव से जब पप्पू यादव मिले तो काफ़ी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। हालांकि जिस वक्त पप्पू यादव 10 सर्कुलर आवास पहुँचे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव उस जगह मौजूद नहीं थे जहां पप्पू यादव का स्वागत किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव लौटे, नज़र पप्पू यादव पर पड़ी, बगल में खड़े पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर पड़ी, तो तेजस्वी ने सबका अभिवादन किया। तेजस्वी यादव ने जिस उद्देश्य के साथ महागठबंधन के नेताओं को निमंत्रण दिया था, सत्तारूढ़ विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया था इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर, वो तो पूरी हो गई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह मैसेज भी दे दिया कि आने वाले वक्त में महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, जो लोग दूर हैं वो भी पास आ जाएंगे। एक तरफ बीजेपी ने इफ्तार के मौके पर सवाल उठाया, इफ्तार को पार्टी बता दिया, तो तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि इफ्तार केवल एक पार्टी नहीं बल्कि इबादत है। पप्पू यादव भी काफ़ी गदगद थे। पप्पू यादव भी खुश थे कि वो अपने पुराने घर में लौट तो रहे हैं, शुरुआत हुई है। दरअसल पप्पू यादव के लौटने के पीछे की कहानी भी है, क्योंकि पिछले इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ इसी तरीके से पहली दफ़ा 2015 के बाद राबड़ी आवास में एंट्री किए थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार के बहाने राबड़ी आवास पहुंचे थे, तब से सियासी समीकरण बदल गए, सरकारें बदल गई। बीजेपी को छोड़कर नीतीश तेजस्वी के साथ आ गए और अब पप्पू की बारी है। पप्पू भी जिस तरह तेजस्वी यादव के बुलावे पर 10 सर्कुलर आवास पहुंचे थे, इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि तमाम नेताओं ने कहा कि यह मौका राजनीति करने का नहीं बल्कि इबादत का था, लेकिन जब सियासत के दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो दलीलें चाहे जो भी दे, लेकिन मकसद सियासी ही होता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।